कोड़ीराम विकास खंड अंतर्गत ग्राम सभा हरदिया में शनिवार को पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पर यूनिट गेहूं और चावल का वितरण कोटेदार साहब यादव द्वारा किया गया। इस दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन से मिले निर्देशानुसार सर्वप्रथम कार्ड धारकों का साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धुलवाकर अंगूठा लगवाया गया। तत्पश्चात सोशल डिस्टेंस बनाकर लोगों को कतारबद्ध कर राशन वितरण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कोटेदार साहब यादव ने कहा, साहब यादव, मैं अब तक राशन अंत्योदय कार्ड धारकों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल निःशुल्क वितरित किया है और जाप कार्ड वालों को यूनिट अनुसार निःशुल्क राशन वितरित किया है। आज मैं पात्र गृहस्थी का राशन वितरित कर रहा हूं ग्राम प्रधान के मौजूदगी में, दिलीप यादव की मौजूदगी में। पर यूनिट 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, 5 किलो प्रति यूनिट वितरित कर रहा हूं।